पानी छिड़क लो थोड़ा सा, उससे क्या होगा? आगे आगे, हाँ अब आगे आगे आगे, ओके ओके ओके। जो जो बच्चे अपने अम्मी अब्बू खाला पुप्पी ताया मामू नाना नानी भाई बहन दादा दादी चाचा चची मुमानी मुमामू सब के साथ देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों शाबाश शाबाश, जब बात ही नहीं की अभी कोई तो बात होगी कहाँ से? सब कौन आया है? मेहमान आया है? कौन है मेहमान? ये ये मेहमान है? हाँ, मेहमान का नाम क्या है? है? नाम क्या है मेहमान? फलक। ओके, और वो वाले मेहमान का नाम क्या है? कौन से जो फलक? मेहमान, हाँ मेहमान का नाम ईशा है या सना है? ईशा या सना? हाँ ईशा, क्या नाम है? ईशा बाजी से मिलने जरा। ईशा बाजी साउंड टेस्टिंग हो जाए ईशा बाजी के साथ आज क्या? हेलो हेलो हेलो, साउंड टेस्टिंग 1 2 3। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? ऑप्शंस दो, ऑप्शंस समरीन या अमरीन? अमरीन, वेरी गुड, सही जवाब, तालियां। बच्चों के नाम के ऑप्शन दे रहे हैं, बच्चे कबूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूं। हाँ दोलो, हाँ दोलो, वसीम बदामी, एक वसीम बदाम, हाथ धोलो, हाथ धो के पीछे नहीं बढ़ो, हाथ धोलो, हाथ धो भाई, बच्चे को हाथ धुलो, आप उनकी बड़ी बहन है ना, हाथ धुला दे, लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोना बहुत जरूरी है इस वबा वाले दौर में। जी वसीम बदामी, कैसी आप? नहीं भाई, किनकी बर्थडे? बर्थडे नहीं, अरे हाथ तो यहाँ धोने हैं ना, यहाँ हाथ धोलो धोलो। आज मदर्स डे, मदर्स डे है आज। मदर्स डे कब मनाते हैं? हाँ लॉलीपॉप चाहिए आज। क्या लॉलीपॉप चाहिए? मैं टॉफियां बेच रहा हूँ यहाँ पे। टॉफियां तो बेचते भी नहीं है। के लॉलीपॉप, लॉलीपॉप वो वाले अंकल देंगे लॉलीपॉप, वो वाले अंकल, हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ बेटा अंकल, अरे हिला दे हाथ, लॉलीपॉप लॉलीपॉप दो भाई, लॉलीपॉप दो दो भाई। हाँ अच्छा, क्या आज मदर्स डे है ना? हाँ तो चश्मा तो टेस्ट करा दो। हाँ आज का चश्मा बता दो, तो पहले भी लाई थी ना? नहीं नहीं, नया वाला है। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। हाँ उदास लग रहे हैं? उदास लग रहे हैं भाई, लाइटिंग तो ठीक करो अपनी, इतना अंधेरा। ओहो चश्मे, ओ यार मैं, अच्छा मैंने कहा अंधेरा क्यों हो गया एकदम? वेरी गुड वसीम बदामी जी, मैं आपको मदर डे सुनाऊंगी। क्या सुनाएंगे? मदर डे सुनाऊंगी, मदर्स डे सुनाऊंगी, मदर्स डे सुनाओ भाई, नया आया, मदर्स डे सुनाऊंगी, मदर डे सुनाओ सुनाओ। प्यारी मम्मा, प्यारी मां, प्यारी मां, प्यारी माँ, ये क्या प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी मम्मा जो होती है ना, वो सबको कहना माना चाहिए मामा को, मामा का, और मम्मा पढ़ाती है सबको। हाँ। और खाना पकाती है, सही है, और हमें सफाई करती है, सही है, और हमें मम्मा को तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर मम्मा को तंग करेंगे तो अल्लाह मियां हैप्पी होगा या सैड हो जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा? हैप्पी। अगर तंग करेंगे तो, तंग करेंगे तो अल्लाह मियां हैप्पी होगा हमसे? नाराज हो जाएगा ना फिर तो अल्लाह मियां। अगर अल्लाह मियां को हैप्पी रखना है तो मम्मा को भी हैप्पी रखना है। ओके, ख्याल रखना मम्मा को। वसीम बदामी जाए, वसीम बदामी रखूंगी, रखेंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। अब मैं वहां जाऊं? ये तो बता रही हूं कौन हिबा, हिबा ठीक है? हिबा आजकल 1 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की? 10। तो शुक्र है, हिबा की एज कंफर्म हो गई भाई। मदर्स डे है, कुछ मदर्स डे पे सुनाइए कुछ, कोई पोयम, मदर्स पे कोई पोयम होनी चाहिए भैया, मदर्स पे पोयम सुनाओ भाई, सुनाओ मदर्स डे पे पोयम सुनाओ भाई। वो भी प्यारी माँ मुझको, प्यारी माँ, प्यारी माँ आपको आती है? प्यारी माँ आउट, आउट कैसे होता है?
उठे उठे कितने कितने दिन गुजर गए फिर भी इसको आउट नहीं आउट ठीक नहीं हो रहा और सिक्स रन कैसे होते हैं सिक्स रन हाँ और आउट कैसे होते हैं वाह और फोर रन हाँ ऐसे ऐसे वेरी गुड वाह 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 माँ पे पोयम सुनाओ मैं प्यारी माँ सुनाओ प्यारी माँ आज मदर्स डे है आज एक काम इस पोयम से पहले क्या करना है जब भी आज सब लोग जब घर जाएंगे वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे मैं तो इसका जब जाऊंगा ना हाँ, क्या करोगे चार खजूर है ना अपने हाथों से अम्मी को खिलाऊंगा वेरी गुड बहुत ही अच्छी बात है जबरदस्त भाई देखें मदर्स डे का मतलब ये नहीं है कि खाली जब मदर्स डे हो तुम अपने अम्मी अब्बू का कहना माने और बाकी नहीं माने जाहिर इसका मतलब ये तो नहीं है लेकिन मदर्स डे का मतलब ये कि हम इस एक दिन को खास तौर पे मनाते हैं वरना तो हर दिन ही मदर्स डे है ना तो आज ये करें सारे बच्चे दो काम करें एक तो प्रॉमिस करें अल्लाह मियाँ से कि हम अपनी मम्मी को कभी भी नाराज नहीं करेंगे वो हमारे लिए इतना काम करती हैं हम सो रहे होते हैं वो हमारे लिए जाग रही होती हैं हमारे लिए मेहनत करती हैं और अगर हमने उनको नाराज कर दिया तो हम अल्लाह मियाँ को हैप्पी नहीं कर सकते अगर हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं जहन्नम में जन्नत सब जन्नत और अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह मियाँ को हैप्पी करना जरूरी है ना जी। अगर एक आदमी नमाज भी पढ़ता रहे रोजे भी रखता रहे सब करता रहे लेकिन उसकी अम्मी उससे हैप्पी ना हो फिर तो अल्लाह मियाँ उससे हैप्पी होगा या नहीं होगा कभी भी नहीं होगा तो एक बात तो ये कि आज से हम प्रॉमिस करें कि अपनी अम्मी का कहना हमेशा मानेंगे दूसरा ये कि आज जब घर जाएं आप लोग सब जब घर जाएं और आप सब जो भी बैठे हुए जैसे ये सेगमेंट खत्म हो फौरन अपनी अम्मी के पास जाएं अपनी अम्मी का हाथ चूमें बाद में धो लीजिएगा कोरोना है तो ठीक है आ हाथ चूमें और अपनी अम्मी को कहिएगा मम्मी आई लव यू ये कहिएगा सारे बच्चे और अगर अभी साथ बैठे हुए चाहे बड़े बच्चे ही बैठे हुए 20 साल के 30 साल के 40 साल के भी और अपनी माओ के साथ बैठे हुए अपनी माँ के कदमों को हाथ लगाएं मैं अभी इस वक्त काम नहीं कर सकता चूंकि मैं यहाँ पे हूँ और अम्मी यहाँ पे नहीं है मैं घर जाऊँगा तब ये काम करूँगा इंशाल्लाह हम सब जो है वो माँ के हाथ चूमें पैरों को हाथ लगाएं और कहेंगे मामा आई लव यू एक तो मैं कहूँगा मम्मी और सब जोर से कहेंगे आई लव यू ठीक है ओके सब कहेंगे मम्मी सारी मदर्स के लिए तालियां बजा देंगे बल्कि एक बात बताऊं सारी मदर्स इतना हमारे लिए सब कुछ करती हैं वो मदर्स की रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम आज सारे लोग अपनी अपनी जगहों से खड़े होकर मदर्स के लिए तालियां बजाएंगे ताकि दुनिया की जितनी माएं सब हमें देख रही हैं सबको खड़े होकर खिराज तहसीन पेश करते हैं शान रमजान के इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी माएँ हैं उनको हमारा बहुत सारा सलाम अल्लाह ताला आप लोगों का साया सलामत रखे और हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा जबरदस्त क्या बात अब सुनाओ मैं प्यारी माँ सुना दो भाई अब सुना दो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए वेरी गुड तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए लोरी गागा के मुझको सुलाती है तू मुस्कुरा कर सवे जबरदस्त भाई वाह 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 वेरी नाइस वेरी नाइस एक बच्चा है बहुत सारे नए नए मेहमान आए हुए आपका क्या नाम है मामिना क्या नाम है मामिना मामिना माशाल्लाह आपका क्या नाम है आयशा वो कहाँ चली गई आयशा अरे छोटी कहाँ लॉलीपॉप लेने चली गई लॉलीपॉप लेने चले गए भाई छोटी को आना हो तो भेज देना क्या नाम है आपका ऑप्शन दो नसीम के सलीम माशाल्लाह और आपका मोहम्मद अब्बास अब्बास नात सुनाओगे कोई हमें तीन चार लाइनें सुना दो किसी की नात की सुना दो भाई
हाँ बताओ, हम बादल देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, लेकिन हमारे सिवा कोई नहीं देख सकता भाई। वो चीज हम देख सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता। बादल होगा, बादल तो सब देख सकते हैं। एक आइडिया लेते हैं। जो हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब वो तो हम ही देख सकते हैं ना, हमारे अलावा तो कोई। अगर कोई ख्वाब मैं देख रहा हूँ तो आप तो वो ख्वाब नहीं देख सकते। क्या ख्याल है, जवाब ठीक लग रहा है भाई? उमर चूर यार, ये जवाब सही है, है। इससे मशवरा ले लूँ मैं, मशवरा देंगे। ख्वाब ख्वाब सही जवाब लग रहा है, सही या गलत है? सही या गलत? सही। उमर ने कह दिया सही। हाँ, हमारा ख्वाब है, हमारा ख्वाब सही सही जवाब। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। हम तो ऐसे कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे पूछो पूछो, एक सवाल और पूछ लो। कैसा आइडिया, आइडिया आया एकदम। हाँ पूछो पूछो, ऐसे जवाब देंगे। पूछो। मुर्गी अंडा देती है, हाँ, गाय दूध देती है, हाँ, ऐसा कौन है जो दोनों देता? दुकानदार, दुकानदार। और ये सही है ना जवाब? जी। हाँ, उसका नाम नहीं बता दूं, उसका नाम है सिकंदर। यहाँ शेफ परा का सेगमेंट होता है। एक दिन जो है वो दूध लाना था, दूध दे दिया। अगले दिन अंडा चाहिए था, अंडा दे दिया। सिकंदर दूध भी दे रहा है और अंडा भी दे रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। वाह वाह वाह, तालियां। अच्छा चलो, नहीं खोरी गलत होगा, बता दे भाई। अमेरिका और अफ्रीका में क्या फर्क है? किसमें? अमेरिका और अफ्रीका में। अमेरिका और अफ्रीका में क्या फर्क है भाई? अमेरिका और अफ्रीका में, अमेरिका में सर्दी कम होती है? नहीं, अमेरिका में भी, अमेरिका में गर्मी कम होती है? नहीं, अमेरिका और अफ्रीका में ए, नहीं दोनों ए से शुरू भी होते हैं। सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कोई आइडिया दो यार, आता है सही या गलत? गलत। वाजिम भाई, मैं दूं जवाब? नहीं नहीं, मैं अभी देता हूँ। अमेरिका और स्पेलिंग का फर्क तो नहीं है कहीं? ए एम ई आर आई सी। समझ नहीं आया, हार माननी पड़ेगी, हार हार। नहीं, मशवरा 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 बताओ, आप हमारी टीम में ना, बताओ बताओ। हाँ भाई, क्या मतलब है इस बात का? मतलब फ्री फ्री, हाँ फ्री भाई। मशवरा बताओ भाई, क्या है अमेरिका और अफ्रीका ने? बताओ ना। अलिफ मीम अमेरिका, हाँ, अलिफ फे अफ्रीका। तो ये फर्क है, अलिफ मीम और अलिफ फे का फर्क है अमेरिका। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। वाह 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 वाह, वाजिम भाई आपने एक जवाब भी सही नहीं दिया, मैंने दिए। लेकिन ख्वाब का जवाब नहीं दिया मैंने, एक जवाब है ना आपने सही दिए। हाँ, ख्वाब का जवाब दिया ना मैंने भाई। मैं कोई नाच सुनाई, फियाजी साहब की बेटी नाच सुनाई, कौन सी नाच सुनाओगी? एक दो लाइन सुना दो हमें कोई, मैं यहाँ बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ। हाँ भाई सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हज़बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मोहम्मद वो जो बिलाले हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है, very good, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है, वो जो बिलाले हबशी है, सुभान अल्लाह, सरवर्दी का प्यारा आँखों का वो तारा है। ज़ुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। वेरी गुड, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई। एक और बॉल से जबरदस्त, बहुत सारी तालियां भाई, वाह। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तो है मदर्स डे, उस पर तो हमने बात कर ली। आज अभी जैसे ही हम रोजा इफ्तार करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रात शुरू हो जाएगी, ताक रात, आखिरी अशरे की एक और ताक रात। यानी कि कौन सी रात? कल है 27 रमजान, है ना?
ऑड और इवन होता है ना, ऑड नंबर्स इवन नंबर्स, तो 21, 23, 25, 27, 29 ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारी ताक रातें हैं। 27 रमजान की जो रात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद इसी रात को नाजिल किया हो, है ना, यानी शबे कद्र। शबे कद्र कब हो सकती है? ठीक है, शबे कद्र किस रात को कहते हैं? जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया उस रात को क्या कहते हैं हम? शबे कद्र। ठीक है, जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो शबे कद्र। हो सकता है कि वो रात आज की ही रात हो। एक प्रॉमिस कर ले सारे बच्चे, और जब आज इफ्तार कर लेना उसके बाद मगरिब के टाइम से लेके फजर तक बहुत सारा टाइम है ना, आज बहुत बड़ी रात है, आप अपनी अम्मी के पास बैठे और जितनी देर भी इबादत कर सकें, थोड़ी देर, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जितनी देर ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, अपनी अम्मी से पूछें और वो इबादत करें जितनी भी देर कर सकते हो। ठीक है, सवाल ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये बताएं, और मैं लाइव बॉय से हाथ भी धो लूं, ये बताएं कि आज शबे कदर है, ठीक है, कुरान का एक सूरा है, जिसको आता हो वो हाथ उठाएगा भाई, कुरान का एक सूरा है जो कि शबे कदर के बारे में ही नाजिल हुआ है, उस सूरे का नाम क्या है? अबू बकर को आता है, और किसको आता है? अब्बास को आता है, और किसी को बताएं भाई? एक सूरा है जो आज की रात के बारे में नाजिल हुआ है, भाई अब्बास बताओ, भाई को बताएं बस, कौन सी सूरा है, क्या नाम है? सूरे कदर। सूरे कदर सही जवाब है अबू बकर, बिल्कुल ठीक है। सूरे कदर ये जो हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ये आज की रात के